या वो प्रोडक्ट ही फॉल्टी था या टाटा ब्रांड ही फॉल्टी है। निकालो बिकॉज इट्स वेरी हॉट। वीडियो देखना इसमें जानने के लिए कि इसमें है क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या नरकर एंड आप देख रहे एक्सपेरिमेंटर आयशा। सो आफ्टर अ वेरी डिसअपॉइंटिंग वीडियो ऑफ वेज सेजवान हक्का नूडल्स, नाउ अगेन आई एम डूइंग अनदर प्रोडक्ट ऑफ टाटा और मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी लेके आ गई थी विद दैट सेजवान वाला पैकेट एंड आफ्टर दैट सेजवान वाला पैकेट वॉज सो डिसअपॉइंटिंग। नाउ आई एम अफ्रेड टू ट्राई दिस वन आउट विच इज चीजी पास्ता विथ ब्लैक ऑलिव्स। नाउ आई नो इसमें ऑलिव्स तो होंगे वो अच्छे भी लगेंगे क्योंकि पिछले वाले में भी लाइक सेजवान वाले में देयर वर मशरूम्स एंड दैट वॉज द ओनली हाईलाइट ऑफ दैट नूडल्स एंड द नूडल्स वॉज एक्सट्रीमली सॉगी एंड अगर मैं बुराई करने बैठ जाऊँ तो वो ख़त्म नहीं होने वाली। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई दिस आउट एंड लेट्स चेक कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है या वो प्रोडक्ट ही फॉल्टी था या टाटा ब्रांड ही फॉल्टी है। तो इसको हम अदर वे राउंड करेंगे, पहले इसे खोल लेते हैं। पैकेजिंग सेम है जैसे नूडल्स की थी बट यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है विच इज दिस पैकेट इट माइट बी सम ओरिगैनो और समथिंग आई गेस आई एम गेसिंग इट। तो चलिए चेक करते कि ये है क्या। मेरा गेस तो ओरिगैनो ही है। दिस इज अ स्पून क्योंकि स्पून की क्वालिटी अच्छी है एंड टिश्यू पेपर दिस इज द बेस्ट थिंग एंड द ओनली फर्स्ट एंड लास्ट थिंग विच इज बेस्ट अबाउट दिस आई एम रोस्टिंग टाटा। व्हाट इज दिस फॉर आउटर पैकेट फॉर डिटेल्स। ओके, तो गाइस पिछले बार हमने माइक्रोवेव किया था तो दिस टाइम हम स्टोव में तो ट्राई करते हैं। इसमें क्या करना है, बेसिकली एक बर्तन लेना है बड़ा सा, उसमें पानी उबालना है एंड पानी उबल जाए उसके बाद टेक द विसल ऑफ द स्टोव सब मच। अच्छा, पानी उबालने के बाद इसको उसमें 3 to 5 मिनट सिर्फ मर्ज करके रखना है, इसको बॉइल नहीं करनी है। जब गर्म पानी होगा उसमें इसको, जो गर्म पानी बना के निकालेंगे उसमें इसको डाल देना है। ओके, सो लेट्स ट्राई इट। अरे यार, इन्होंने पैकेट के बारे में कुछ नहीं लिखा क्या? पैकेट प्लीज रिपोर्ट टू द आउटर बॉक्स फॉर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। शायद कुछ वो पैकेट के बारे में कुछ लिखा है नहीं, बट वही आई थिंक बनाने के बाद उसमें डाल के कुछ तो होगा शायद, लाइक मैं तो गेस कर रही हूँ ओरिगैनो ही होगा। लेट्स सी, वीडियो देखना इसमें जानने के लिए कि इसमें है क्या। ओके, सो नाउ लेट्स मेक इट, लेट्स बॉइल द वाटर। तो हमारा गर्म पानी होके तैयार है। एक्सक्यूज द वेसल, में इंडियन घरों में ऐसे ही पानी उबाला जाता है। तो ये जो हमारा पैकेट है हम उसमें डाल देते हैं। बहुत पानी गर्म है, यू कैन सी द क्या बोलते उसको, धुआ सबमर्ज करके चलिए अभी 3-4 मिनट बाद मिलते हैं। पूरे 5 मिनट्स हो चुके हैं इसे अंदर डाले हुए बट अभी पॉइंट इज कि इसको मैं बाहर कैसे निकालूं बिकॉज इट्स वेरी हॉट। ओके, आ जाएगा। ओके, आई एम डूइंग गुड। देखते हैं इसे खोल के इसका क्या रंग रूप है। ये पैकेट मुझसे खुलता ही नहीं है, सेजवान वाला भी नहीं खुला था। वाओ, दिख तो अच्छा रहा है और स्मेल भी अच्छी आ रही है। लेट मी स्मेल इट। वाओ, स्मेल सच्ची अच्छी है। आई विल बी रियली सरप्राइज्ड अगर ये प्रोडक्ट अच्छा निकला और वो नूडल्स वाला इतना घटिया निकला तो शायद मैंने नूडल्स वाला फॉल्टी पीस लाया था। इसमें देखते हैं क्या है, फाइनली रिवील होगा। ओरिगैनो होगा 100% या मिक्स हर्ब्स टाइप कुछ होगा। देखा, ओरिगैनो है।
थोड़ा सा ओके, थंबनेल निकाल लेते हैं और फिर खाएंगे। फाइनली टेस्ट करते हैं, स्मेल तो अच्छी है, बहुत अच्छी कंपेयर्ड टू दैट सेजवान। ओके, कंपेयर्ड टू दैट इट्स वेरी नाइस। थोड़ा सॉल्ट कम लग रहा है बट इट्स नाइस। ईटेबल एटलीस्ट। चीज का फ्लेवर है, ऑलिव्स डाले बहुत सारे, ऑलिव क्वांटिटी भी सही है, एक इंसान का पेट आराम से भर जाएगा। सेवन आउट ऑफ टेन। एक्चुअली ये शायद प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं उसकी वजह से सॉगी हो जाती है चीज़। मैं इसका कुछ और ट्राई करूँ क्या, एकदम करी और वेजिटेबल टाइप? आई शुड ट्राई दैट। ये तो सॉगी होने वाली चीज़ है, जो चीज़ सॉगी नहीं हो सकती वो ट्राई करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। ओके आई फिनिश दिस। सो रिव्यू यही है कि एटलीस्ट ईटेबल, थोड़ा सा चीज़ कम है बट एटलीस्ट खा सकता है इंसान, एक इंसान का पेट आराम से भर जाएगा। वेरी नाइस कंपेयर टू दैट नूडल्स। पास्ता जैसा पास्ता लग रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम स्वेटिंग क्योंकि मैंने फैन बंद कर रखा है, क्योंकि आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। आई फिनिश दिस एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, डू वट एवर यू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर, फादर एंड सिस्टर, सलमान खान का डायलॉग फ्रॉम बिग बॉस। ओके आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग अनदर प्रोडक्ट वेरी सून।